नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सांसद दुष्यंत चौटाला ने भी किया प्रेस वार्ता को संबोधित। वहीं कनीना बलात्कार घटना को बताया दुखद। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से है फेल। बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार। बोले, नशे को लेकर के संरक्षण कर रही है सरकार। वहीं एसटीएफ पर रिजल्ट है पूरी तरह से जीरो। लोगों को भूमिगत करने के लिए सरकार केवल एसटीएफ गठित कर रही है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा बयान भी दिया। कांग्रेस बार बार कहती नजर आ रही थी कि अभय सिंह चौटाला और सीएम मनोहर लाल खट्टर यानी बीजेपी के बीच में साठगांठ है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला और करण सिंह दलाल के बीच के विवाद को लेकर के कांग्रेस बार बार निशाना साध रही थी। लेकिन वहीं दुष्यंत चौटाला ने एफआईआर को लेकर के कहा कि जिस तरह से आज एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री यानी बीजेपी जो है हुड्डा की सपोर्ट करती नजर आ रही है। बोले, ये मिली भगत के संकेत हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने 25 सितंबर को लेकर के कहा कि बसपा व इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचकर मनाएंगे सम्मान दिवस। गोहाना में ऐतिहासिक होगी रैली। बिजली कम करने के सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। गरीब आदमी पर बढ़ाया है आर्थिक बोझ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर साधा निशाना। 100 का आंकड़ा पार कर सकती है कीमतें। कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद बढ़ाई जा रही है कीमतें। आप देख रहे हैं सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। जो घटना कनीना में हुई, आज लगभग 82 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और केवल मात्र 3 फोटो को छोड़कर हरियाणा पुलिस के पास कोई भी सुराग उस पूरे घटनाक्रम का नहीं। और ऐसी घटनाएं प्रदेश के प्रत्येक कोने में हो रही। मुख्यमंत्री बात करते हैं कि हमने एक नया यूनिट पुलिस का खड़ा कर दिया जो केवल मात्र वुमेन सेफ्टी की बात करेगी। मैं भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वो यूनिट खड़े होने के बावजूद भी हरियाणा आज रेप के मामले में प्रदेश के टॉप 5 राज्यों में आता है कि आज लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तौर पर निरस्त है। तो मुख्यमंत्री इस पूरे फेलियर के स्वयं खुद जिम्मेवार है। और आज जो बयान मुख्यमंत्री का आया है, मैं मानता हूँ बहुत निंदनीय है कि वो प्रदेश के मुखिया के साथ साथ वो गृह विभाग के मुखिया भी, और उसके बाद भी उनको ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है। इसका मतलब आज ना तो पुलिस प्रशासन उनके कंट्रोल में है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में। निरंतर इस प्रयास में है कि आम जन पर बोझ बढ़ाया जाए। स्टैंप ड्यूटी की तो आप बात करते हो, इस सरकार ने निरंतर ऐसे फैसले लिए हैं जहां कमेरे वर्ग के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा है। ये जो बिजली के बिल माफ करने की, कम करने की बात है, अगर आप 50 यूनिट की बात करो तो 50 यूनिट कंजप्शन तो एक छोटी झुग्गी झोपड़ी की भी, और ये 2 महीनों में बिल आते हैं जब 100 यूनिट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उस गरीब आदमी को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं देगा। तो ये लोग तो बड़े टेक्निकली स्मार्ट लोग, और आखिरी दिन में जो इनने कदम उठाया है, ये तो गरीब आदमी के ऊपर एक आर्थिक बोझ बढ़ाया है। डीजल 74 रुपये पहुँचा है, वो दिन दूर नहीं जहाँ डीजल 80 का आंकड़ा पार करेगा और पेट्रोल शायद 100 का आंकड़ा पार कर जाए। और ये जब हालात है जब क्रूड के दाम उस समय से आधे 4 साल हो गए, निरंतर कहते सिकंजा कसेंगे। हमने तो 4 सीट दे दी थी और कोई ज्यादा बड़ी 4 सीट भी नहीं थी। अगर एक एक दिन एक एक पेज के ऊपर FIR होती तो शायद ये लोग जिनने इस प्रदेश को लूटा है आज वो लोग इस प्रदेश के बदहाली के ऊपर नहीं बैठे हो। आज जिस तरह से ये FIR हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे भी भूपेंद्र हुड्डा को लाभ बीजेपी की सरकार देने वाला। आज जिस तरह से ये FIR हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे भी भूपेंद्र हुड्डा को लाभ बीजेपी की सरकार देने वाला। आज जिस तरह से ये FIR हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे भी भूपेंद्र हुड्डा को लाभ बीजेपी की सरकार देने वाला। आज जिस तरह से ये FIR हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे भी भूपेंद्र हुड्डा को लाभ बीजेपी की सरकार देने वाला। आज जिस तरह से ये FIR हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे भी भूपेंद्र हुड्डा को लाभ बीजेपी की सरकार देने वाला। आज जिस तरह से ये FIR हुई है, कहीं ना कहीं
आने वाले समय में श्री भूपेंद्र हुड्डा को लाभ बीजेपी की सरकार देने का।